हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा पहले ही। आज हम बात करने जा रहे हैं एसटीपी के एक डीजल फ्यूल इंजेक्टर एंड इंजेक्टर क्लीनर के बारे में। हम इससे पहले काफ़ी इंजेक्टर क्लीनर के बारे में बात कर चुके हैं। पहले मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, ये एसटीपी का है। और अगर आप देख पा रहे हो, सॉरी रुकिए मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है एसटीपी, जो कि काफ़ी समय से काम कर रही है भारत में। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए बाहर से भारत में आयात कर हो रहा है। मुंबई में एक कंपनी है क्रिएटिव इंटरनेशनल, वो इसको भारत में ला रही है और यहीं पे इसको फिलअप किया जाता है। उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, कस्टमर केयर नंबर वगैरह सब, एचएनसन कोड, एएसआईएन वगैरह सब है। ये 400 रुपये का है, जो आपको अमेजोन से आराम से लगभग लगभग 325 रुपये का मिल जाएगा। तो इसमें बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये आप, ये जो है डीजल की गाड़ी के लिए है। और आपको ये टैंक फुल करवाने के बाद में, यानी कि लगभग 40 लीटर कम से कम डीजल होना चाहिए, उसके बाद ही आपको डीजल गाड़ी में डालना है। और ये हर 3000 किलोमीटर के बाद आपको वापस से करना चाहिए। तो जैसे कि वो है, पहले आप अपना डीजल फुल करवाइए और उसके बाद इसको पूरी बोतल, यानी कि इसमें लगभग मैं बता देता हूँ कितने एम एल है। हाँ, 236 ml इसके अंदर है, वो आपको इसमें डाल लेना है। इसका ये मैंने यूज़ किया है। देखिए, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग वो होता है। देखिए, आप इसको कभी भी नई गाड़ी पे यूज़ नहीं कीजिए। इंजेक्टर क्लीनर की सफाई आपको पता है कि लगभग 16,000 रुपये है, 16 है। अलग अलग कंपनी अलग अलग वो होती है। और इंजेक्टर की जो सफाई है वो 50,000 किलोमीटर के बाद की जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको 30,000 किलोमीटर या फिर 40,000 किलोमीटर के बाद यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। ना कि आप इसको नई गाड़ी पे इस्तेमाल करें। नई गाड़ी पे इस्तेमाल करने पे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन को नहीं जमने जा, डिपॉजिट्स जो हैं उनको बाहर निकालता है। ये जो धुएं की नली होती है उसमें से उसको बाहर निकालते हैं। ये अपनी सपोज कीजिए, जैसे कि मेरी हुंडई एक्सेंट है डीजल की, तो वो लगभग 20 का एवरेज देती है विदाउट एसी, 20 का 22 का चलाने के ऊपर बात होती है। तो इसे डालने के बाद में लगभग मैंने देखा है लगभग 22 का, 23 का और हाईवे पे 24 का भी उसने एवरेज दिया है। और उससे मतलब ये है कि एक तो कंपन बिल्कुल लगभग ख़त्म हो जाता है, साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, स्मूथनेस आ जाती है, उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और ये आगे से जो पंप वगैरह है उसकी सफाई ठीक से रखता है, उसमें कार्बन नहीं जमने देता, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। ये 236 ml है। अच्छा, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर आपके उसमें 10 लीटर है डीजल, ये डीजल वाला है, तो आप उसमें पूरा 236 ml की गेयर देते हैं, तो वो जो है आपके इंजन के लिए हार्मफुल हो सकता है। एसटीपी का जो डीजल फ्यूल ट्रीटमेंट है, इसका बेनिफिट ये है कि सपोज़ कीजिए आपका जो डीजल है वो तेल यानी कि पानी मिला हुआ है, तो ये उसमें भी आपकी काफ़ी मदद करता है। ये आपका इंजेक्टर क्लीन तो करेगा ही, साथ के साथ उसमें पानी वगैरह जो है उसको भी ख़त्म करने में मदद करेगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।